दोस्तों कैसा लगेगा आपको अगर आप आज के समय से कई सौ साल पीछे पहुंच जाओ। कुछ ऐसा ही होता है इस मूवी में जमाल के साथ। जमाल एक साधारण सा आदमी होता है जो कि मेडिवल वर्ल्ड नाम के एक थीम पार्क में काम करता है। अब उस पार्क की जो ओनर होती है उसे उस पार्क के फ्यूचर को लेकर चिंता हो रही थी, क्योंकि पिछले कई महीनों से इनकी कंपनी घाटे में जा रही थी और जल्द ही पास में एक और नया थीम पार्क भी खुलने वाला था। और अगर जल्द ही इन लोगों ने कुछ ना किया तो ये लोग कर्जे में डूब जाएंगे। अब इसके बाद जमाल और उसके फ्रेंड स्टीव को पार्क में साफ सफाई का काम दिया जाता है। जब ये लोग पार्क में साफ सफाई का काम कर रहे होते हैं तब जमाल को पानी में कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है और ये हार जैसी दिखने वाली चीज दिखने में काफी कीमती लग रही थी। अब जमाल जैसे ही उस चीज को उठाने के लिए पानी के पास जाता है वो उसमें गिर जाता है। अब इसके बाद जमाल जब पानी से बाहर आता है तो ये पाता है कि ये तो कहीं और ही पहुंच गया है। इसे लगता है कि शायद मैं पानी के रास्ते बगल वाले कैस्टल वर्ल्ड थीम पार्क में पहुंच गया हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जमाल को यहाँ पर नोइड नाम का एक आदमी मिलता है और ये आदमी यहाँ पर काफी शराब के नशे में होता है और इसने काफी पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं और कुछ पुरानी लैंग्वेज में ही जमाल से बात भी कर रहा होता है। अब यहाँ पर जमाल को लग रहा होता है कि शायद यहाँ के लोग कैस्टल वर्ल्ड थीम पार्क का प्रमोशन करने के लिए इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। अब नोइड यहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने काफी शराब पी रखी थी। अब जमाल किसी तरह से उसे होश में लेकर आता है। होश में आते ही नोइड उससे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और इसके लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। जमाल को लगता है कि शायद ये बेचारा काफी गरीब है इसलिए वो इसे कुछ पैसे देकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर नोइड को तो इन पैसों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो उन पैसों को आग में डालकर तापने लगता है। दूसरी तरफ जमाल चलते चलते कैस्टल वर्ल्ड पहुंच जाता है। यहाँ पर जमाल को लग रहा होता है कि यही थीम पार्क है और इसीलिए ये गेट के अंदर जाने लगता है, लेकिन बाहर खड़े सिपाही इसे रोक लेते हैं। जमाल को यहाँ पर अभी भी ऐसा लग रहा था कि ये लोग यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये होती है कि ये 2001 से 13वीं शताब्दी में पहुंच गया था। लेकिन अभी भी इसे ये बात पता नहीं चल पा रही थी। जमाल सिपाहियों से कहता है कि अबे मुझे अंदर जाने दो नहीं तो मैं तुम्हारे बॉस से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। सिपाही उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। जमाल कहता है कि मैं नॉर्मंडी से आया हूँ। ये बात सुनकर सिपाहियों को लगता है कि शायद ये वही ऑफिसर है जो कि नॉर्मंडी शहर से आने वाला था। सिपाही उससे कहते हैं सर हमारी गलती हो गई आप अंदर जाइए। और इसके बाद वो सिपाही उसे बड़ी इज्जत के साथ अंदर जाने देते हैं। अब अंदर जाने के बाद जमाल देखता है कि यहाँ पर सभी लोगों ने 13वीं शताब्दी जैसे कपड़े पहन रखे थे। तभी यहाँ पर जमाल की नजर विक्टोरिया नाम की एक लड़की पर जाती है। अब यहाँ पर जमाल इससे बात करने की कोशिश करता है तभी यहाँ पर सेनापति परसिवल पहुंच जाता है। वो यहाँ पर अपनी पोजीशन और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया करता था और यहाँ पर उसकी हरकतें ऐसी होती हैं कि मानो शहर की सभी औरतें उसकी बीबी हों। अब जमाल को उसकी ये सभी चीजें पसंद नहीं आती। वो उससे कहता है कि अबे तू ये क्या कर रहा है अभी जाऊं मैं तेरे मैनेजर के पास कंप्लेंट करने के लिए। अब इसके बाद सेनापति अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है जिस पर जमाल उससे कहता है कि अबे नकली तलवार से डरा रहा है चल इससे मुझे डर नहीं लगता। अब सेनापति के सामने उसकी बहादुरी देखकर सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब इसके बाद उसे राजा के पास ले जाया गया। यहाँ पर हमें पता चला कि राजा ने अपनी बेटी रेजीना की शादी नॉर्मंडी के राजकुमार के साथ तय कर रखी होती है। अब यहाँ पर राजा को लगता है कि ये भी वहीं से आया है इसलिए वो इससे पूछते हैं कि राजकुमार यहाँ पर कब तक आएंगे। जमाल उससे कहता है कि बस कुछ ही दिनों में पहुंचने वाले हैं। अब इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी मुजरिम को यहाँ मौत की सजा होने वाली थी। यहाँ पर जमाल काफी ज्यादा जोश में नारे लगाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सभी लोग तो एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब वो उस आदमी के कटे हुए सर को अपने हाथ में पकड़ता है तब उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये तो असली था। और अब ये देखकर जमाल यहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब जमाल को होश आता है तो ये विक्टोरिया के रूम में होता है। विक्टोरिया के पास भी सैम वही लॉकेट था जो कि जमाल के पास था। विक्टोरिया को लगता है कि शायद जमाल भी इन्हीं के लोगों में से एक है। विक्टोरिया जमाल को अपना लॉकेट दिखाते हुए उससे कहती है कि इस लॉकेट को पहनने वाले लोग इस निर्दयी राजा को हटाकर अपनी पुरानी रानी को लाने वाले हैं क्योंकि इस राजा ने धोखे से इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया है। यहाँ पर जमाल अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो यहाँ पर विक्टोरिया से कहता है कि तुम ये सब छोड़ो मुझे ये बताओ कि ये कौन सा साल है। विक्टोरिया जमाल से कहती है कि ये 13वीं शताब्दी है। अब ये बात सुनकर जमाल को फिर से चक्कर आने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जमाल किसी तरह से अपने आप को संभालता है तभी यहाँ पर राजा का एक आदमी आता है और वो जमाल से घुड़सवारी करने के लिए कहता है। अब जमाल को तो घुड़सवारी करनी नहीं आती थी लेकिन फिर भी ये करता है और ये देखकर सभी लोग उस पर काफी हंसते हैं। अब शाम को राजा एक पार्टी रखता है जिसमें उसे मारने के लिए कुछ लोग भी आए होते हैं जो कि विक्टोरिया के ग्रुप के थे। अब ये लोग जैसे ही राजा को मारने वाले होते हैं कि तभी गलती से जमाल की वजह से राजा की जान बच जाती है। अब राजा जमाल के इस काम से काफी खुश होता है। राजा उस सेनापति की भी काफी डांट लगाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे होते हुए भी दुश्मन अंदर कैसे आ गए। अब इसके बाद राजा जमाल को अपना सेनापति बना देता है। अब अगले दिन जमाल राजा के साथ एक आदमी के पास जाता है
और उस पर खाना चुराने का इल्जाम लगा होता है। ये बेचारा गरीब कहता है कि मैंने जो भी किया अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए किया। लेकिन ही राजा काफी क्रूर था, ये इतनी सी बात के लिए उस आदमी का सिर कलम करने का हुक्म देता है। अब क्योंकि जमाल इनका सेनापति होता है और अब इसलिए ये काम जमाल को करना होगा। अब इसके बाद जब राजा यहाँ से चला जाता है तब जमाल उस गरीब आदमी को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि तुम इस राज्य को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। अब अगले सीन में हमें विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो कि जमाल से पूछती है कि आखिर इस राजा को कैसे मारा जाए। जमाल उससे कहता है कि तुम ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि इस राज्य में उस आदमी को भी मार दिया जाता है जो कि सिर्फ खाना चुराता है, तो सोचो ये राजा हमारे साथ क्या करेगा। अब ये बात सुनकर विक्टोरिया गुस्सा होती है, वो इसे कायर, डरपोक, फट्टू कहकर यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन नॉर्मंडी से असली मिनिस्टर यहाँ पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद जब राजा को पता चलता है कि जमाल ने उनके साथ धोखा किया है तब ये जमाल को मौत की सजा सुना देता है। अब जमाल को भी उन अपराधियों के साथ काल कोठरी में डाल दिया जाता है जो कि राजा को मारने के लिए यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर इनमें बात होती है और वो लोग जमाल को एक बहुत ही बहादुर आदमी की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम ब्लैक नाइट होता है, जो कि अंधेरी रात में आकर जुर्म करने वालों को खत्म किया करता था। अब अगली सुबह सैनिक जमाल का सिर कलम करने के लिए उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन जमाल यहाँ पर कहता है कि मैं एक जादूगर हूँ और अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जला दूंगा। इसके बाद जमाल अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और आग जलाता है। अब इसे देखकर कोई भी इसकी बात को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि इन सभी लोगों को आग के बारे में पता था। अब यहाँ पर जैसे ही जमाल का सर कलम होने वाला था कुछ लोग इस राज्य पर अटैक कर देते हैं। दरअसल ये सभी लोग विक्टोरिया के साथी होते हैं और ये सभी लोग अपने साथियों को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे और इनमें नोट भी होता है जो कि जमाल को यहाँ पर आने के बाद मिला था। अब ये लोग यहाँ पर किसी तरह से जमाल को भी बचा लेते हैं और अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जमाल को पता चलता है कि नोट कोई गरीब आदमी नहीं है बल्कि ये तो उस राज्य का सबसे बहादुर सेनापति था, लेकिन उस राजा ने धोखे से इनके राज्य को हासिल कर लिया था। यहाँ पर जमाल को वो रानी भी मिलती है जो कि कभी उस राज्य की रानी भी हुआ करती थी और ये लोग किसी तरह से उस राजा को मारकर फिर से अपनी रानी को वो राज्य सौंपना चाहते थे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, ये लोग चाहते थे कि जमाल भी इनकी इस लड़ाई में शामिल हो, लेकिन जमाल काफी डरपोक होता है, ये यहाँ से अपने समय में वापस जाने का फैसला करता है। लेकिन कुछ देर के बाद इसका मन बदल जाता है और जब कुछ देर के बाद ये नोट के साथ यहाँ पर वापस आता है तब तक उस राजा का सेनापति विक्टोरिया को अपने साथ लेकर यहाँ से जा चुका था। अब यहाँ पर इनका मिशन होता है कि विक्टोरिया को फिर से छुड़ाकर महारानी को उनका राज्य फिर से सौंपना। इसके बाद ये लोग जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब जमाल यहाँ पर इन सभी लोगों को लड़ने की ट्रेनिंग देता है। इसके बाद वो दिन आता है जब जंग होने वाली थी। नोड अपने सभी आदमियों को लेकर उस राज्य पर अटैक कर देता है, लेकिन ये लोग काफी कम होते हैं और जल्द ही राजा का सेनापति इन सभी को घेर लेता है। तभी यहाँ पर घोड़े पर सवार होकर ब्लैक नाइट आता है। इसे देखकर राजा के सभी सिपाही पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी ये ब्लैक नाइट एक खंभे से टकराता है और नीचे गिर जाता है और यहाँ पर लोगों को पता चल जाता है कि ये कोई ब्लैक नाइट नहीं है बल्कि ये तो जमाल है। इसके बाद लड़ाई फिर से शुरू होती है और ये जमाल के सिखाए हुए पैंतरों से ही लड़ रहे थे और जमाल की ये ट्रिक काम भी कर रही होती है। अब यहाँ पर राजा सेनापति से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाकर लड़ाई करो। अब यहाँ पर सेनापति को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो राजा को ही छत से नीचे फेंक देता है क्योंकि अब नया राजा ये होगा। सेनापति नोइट को तीर मारकर उसे घायल कर देता है। इसके बाद जमाल विक्टोरिया को बचाने के लिए उस सेनापति से फाइट करता है। यहाँ पर काफी देर तक इन दोनों के बीच फाइट होती है और जब सेनापति जमाल से हारने लगता है तब ये यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करता है। अब जमाल जैसे ही विक्टोरिया के पास जाकर उसके हाथों की रस्सी खोलने लगता है कि तभी वो सेनापति पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी नोइड इसी का तीर इसे वापस मार देता है। अब लास्ट में इन सभी लोगों ने मिलकर फिर से इस राज्य को हासिल कर लिया था और अब जमाल भी अपने टाइम में वापस जा सकता था क्योंकि अब जमाल ने भी यहाँ पर अपना काम पूरा कर दिया है। अब यहाँ पर जमाल सबको बाय बोलता है और ये फिर से अपने समय में वापस पहुंच जाता है। यहाँ पर उसका दोस्त उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और तुम सिर्फ पानी में ही गिरकर बेहोश हो गए, तुम कमाल के हो यार। लेकिन यहाँ पर जमाल को यकीन था कि वो कोई सपना नहीं था। अब इसके बाद यहाँ पर जमाल की बॉस आती है और यहाँ पर जमाल थीम पार्क को बेहतर बनाने का उसे बहुत सारे आइडिया देता है जो कि ये 13वीं शताब्दी से सीख कर आया था। अब इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पार्क अब बहुत ही अच्छे से चल रहा था। अब एक दिन जमाल को यहाँ पर विक्टोरिया की जैसी एक लड़की मिलती है और इस लड़की का नाम निकोल होता है। अब ये दोनों बातें करने लगते हैं और यहाँ पर जमाल काफी खुश होता है। अब इसके बाद निकोल यहाँ से जाने लगती है, ये उसे जोर से आवाज मारकर कहता है कि वापस आना, हम फिर से मिलेंगे। अब इसके बाद ये भागते हुए उसके पीछे जाने लगता है और इसके बाद फिर से ये अचानक से उसी पानी में गिर जाता है और इसके बाद जब इसे होश आता है तो ये खुद को एक ऐसी जगह पर पाता है जहाँ पर इसे 3 शेरों के साथ लड़ाई करनी थी और अब जमाल यहाँ पर इन शेरों को देखकर तेजी से यहाँ से भागता है और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कॉमेंट
कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।